पिछले जन्म ने क्या किया था जो ऐसे पड़े से मिल गए आप? परी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन में हूँ। जब से नए पड़ोसी आए ना, जिंदगी बेकार सी हो गई है। सॉरी। हाँ, वैसे ये बात सच तो है कि जब से नए पड़ोसी आए ना, बहुत परेशान करके रख दिया। ना मैं पढ़ पाती हूँ ना सो पाती हूँ। जब भी मैं पार्टी करने जाता हूँ ना, वो लोग लाउड म्यूजिक बजा देते हैं, फिर मेरा डांस निकल आता है, फिर मैं पार्टी भी नहीं कर पाता। अच्छा, अब कौन आया है? देख कर आती हूँ मैं। जा देख क्या कौन आया। देख, अरे चिपकली से भी सुंदर लड़की, पापा घर में है का? ये। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हाँ है ना। अच्छा है। अरे एक झापड़ा मारेंगे फट जाओगे, दरवाजा कहाँ बंद किया? अंदर चली गई। अरे क्या है लड़की आपकी, हाँ आने नहीं देती हमको घर में। देखो चिल्लाओ मत, ये शरीफों का मोहल्ला है। शरीफों का मतलब हम शरीफ नहीं है का? अरे हमने का सुपरमैन की तरह चड्डी पहनी है पैंट के ऊपर। बात करते, अरे भगवान आओ बैठो, अपना ही घर समझो। हाँ बैठो बैठो। बताओ, मेहमान घर पे आए और अभी तक चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा इन्होंने। का है? अच्छा ठीक है, पानी का फॉर्मूला बताओ। H2O। अरे एक का है, क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बोला है, चाय पानी के बारे में पूछना मतलब चाय पानी लाओ हमारे लिए। कौन सा पड़ोसी है रे बुड्ढा, लावा चाय पानी। हम लोगों ने नया घर शिफ्ट किया ना, तो उसकी खुशी में पार्टी रखी है, आ जाना शाम को मुंह उठा के। बुरा मान गए क्या? अरे बुरा ना माने तो और क्या करें। चलो आ जाना शाम को पार्टी के लिए खाना खाओ, झाड़ू भी मारना है। चलो, अरे झाड़ू मारना है, चलो चलते हैं पड़ोसी। बाय। ए रिमोट थोड़ा, ए सब। अरे अरे आ जाना, ये कहां लेके जा रहे हो तुम? अरे परी तू क्या कर रही है? वो पड़ोसी के यहाँ पे पूजा है, तो उन्होंने हमें खाना खाने के लिए बुलाया है, तो चलो खाना खाने जाते हैं। पापा मुझे ना वहाँ पे जाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। आप इधर क्या कर रही हो? तो क्या करे, तुम लोग आ रहे हो ना ठूसने हमारे घर पे, तो भेजा है संकेत को सब्जी लाने के लिए। लेकिन दिक्कत एक चीज की है। क्या? संकेत के पास रुमाल ना है। तो तुम्हारे पास कोई रुमाल है? रहने दो, हम खुद ले लेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। सारा काम बचपन से खुद ही करना सीखा है हमने, किसी पे निर्भर नहीं है हम। अरे 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 कैसे पड़ोसी है परी? पापा ये तो क्या है? सब यहाँ से लेके जा रहे है। पापा जब हम इनके घर जाएंगे ना खाना खाने के लिए, इनका सब राशन खराब कर देंगे। तो इतना खाना खाऊंगा ना, सब राशन ही खत्म कर देंगे आपको। हाँ। उनको दिखाते, चलो अपन भी आपने औकत पे आते अभी। यस चलो चलो। A few inches later। जी आने वाले कि नहीं? कहाँ रह गए पड़ोसी? नमस्ते नमस्ते बाबी जी। आ गए मैम। कैसे हो बाबी जी? कैसी है? बढ़िया। वो नहीं आई? नहीं उन्हें कुछ काम था। अरे ले लीजिए खाना। अरे बहुत कुछ बनाया तुम लोगों के लिए, शर्मा लेना, कुछ मांगना नहीं। अच्छा ठीक है। और बताइए। वैसे बहुत टेस्टी है ये, आपने बनाया? इन्होंने बनाया है। ये इका मर्दों का हाथ है, इका बनाएगी ये सब खाना। वैसे इसकी ना कुछ जरूरत नहीं थी। वैसे देखा हमने बोला था ना कोई जरूरत नहीं बनाने की, मतलब मेहनत करवाई दो कोड़ी के मेहमानों के लिए। अरे इनको चाहिए नहीं था तो हमको क्यों बताया खाना बनाने के लिए दो कोड़ी के पड़ोसियों के लिए? मैंने तो हमने की ना तुम्हें देखने की गंदी शक्ल वाली दो कोड़ी के पड़ोसी के लिए। ए दो कोड़ी के पड़ोसियों के लिए तुम हमसे झगड़ा करोगी का? अरे मेरी फूटी किस्मत ऐसे आदमी से शादी कर ली दो कोड़ी के पड़ोसियों के लिए। एक काम करो, नहीं खाना ना? नहीं खाना। जाओ जी सब फ्रिज में रख दो। नहीं खाना है फिर भी बनाए, रख के ही आते हम लोग। मत खाना ये सब खाना, बस रख दिया सब। वेरी गुड। आप लोग बहुत ही घटिया लोग हो, सबसे हमें प्रॉब्लम दे रहे हो।
फालतू कहीं के पप्पू चिल बैठिए आप। अरे बहुत भोग दिया आपने, हमने भी कोई चूड़िया नहीं पहन रखी है। आज पहन के रखी है इसलिए आप बच गए, नहीं तो आपको दिखा देते। आपकी हरकतों पे देती हूँ मैं, हमें नहीं लगी है भूख। पापा चलो हम जा रहे हैं। चलो चलो, कैसे पढ़ती है। देखा, फिर से इज्जत कर ली हमारी सबने तुम्हारी वजह से। ये लो अपनी चूड़िया, काहे पहन ले तो हमारी साड़ी भी पहन लिया करते हो। परी, ये मेरी दूसरी बार इंसल्ट हुई है। पहली बार कब हो गई? पहली बार जब मेरी शादी थी ना, तभी मैं व्हाइट शर्ट पहन के गया था। अच्छा? तभी वहाँ जो शादी में लोग आए थे ना, वो मुझे वेटर समझ रहे थे, मुझे बोल रहे थे पानी दे, ये दे, वो दे। और पता है उस औरत ने मुझे क्या कहा? दो कौड़ी का इंसान का। दो कौड़ी का? हाँ पापा, ये बहुत गलत बात है। उसने आपको दो कौड़ी का इंसान कैसे कहा? मम्मी तो आपको बस एक कौड़ी का इंसान कहती है। बहुत गलत बात है ये। बचाओ, बचाओ! अंकल, अंकल, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप किस बार क्यों नहीं सो रहे हो? आप जाओ ना। अरे हम बहुत डर गए हैं। ये चश्मा निकालो पहले। क्यों पर क्यों डर क्यों रहे? अरे हमारी भगवान, हमारी धर्म पत्नी बिना मेकअप के सो रही है। हमको बहुत डर लगता है ऐसे। हमको नहीं सोना है वहाँ पर, हमको सोने दो यहाँ पर। हम सो जाएंगे। नहीं, आप बिल्कुल नहीं सो सकती। ये मेरा बेडरूम है, आप आपके घर जाके सोइए। अरे सोने दो ना, हम बहुत डर गए इसकी शक्ल देखकर। नहीं नहीं, आपकी बीवी को बोलिए जाकर मेकअप कीजिए और उसके बगल में जाके। ठीक है आपने हाँ बोल दिया, हम सो जाओ। अरे अरे हमने हाँ कब किया? अरे सो जाओ, अच्छे से सो जाओगे। सो हम अच्छा सुलाते हैं, आ जाओ सो जाओ सो जाओ। अरे क्या ये पड़ोसी का तकलीफ है? भाई तो सो जाओ। कैसे पड़ोसी मिल गए? पता नहीं पापा आपने और मैंने पिछले जन्म में क्या किया था जो ऐसे पड़ोसी मिल गए आप। बोला का तुमने? नहीं, आप तो बहुत अच्छे पड़ोसी हो। सो जाइए ना, सो जाइए। ठीक है, हमारे पड़ोसी जो है अभी सोने दो। सो जाइए सो जाइए, हाँ सो जाइए। हमारे बेडरूम में हमें ही सोने नहीं दे रहे पापा। वो पड़ोस वाले जो संकेत अंकल है ना, उन्होंने रात भर मुझे सोने नहीं दिया। एक तरफ से मुझे मार रहे, एक तरफ से जोर जोर से कराटे ले रहे। भगवान! अरे परी वो छोड़, और वो कितने गंदा पाद रहते थे। वही तो, क्या करे उनका। अरे परी, पर वो तुम्हारे संकेत अंकल है किधर? पड़े रहेंगे मेरे बेडरूम में कचरे की तरह। अरे का कचरे की बात कर रहे हो, सुबह सुबह का बढ़िया नींद आती है तुम्हारे घर पे, बहुत मजा आता है। अरे वाह, अरे कितना सोचते हो तुम हमारे बारे में। क्या सलाह हमारे लिए तुम लोगों ने? इतना अच्छा पड़ोसी भगवान किसी को भी नहीं देता, हमको मिला है। बहुत अच्छा किया हो तुम लोग, थैंक यू। चलो वो जूस तुम पी लेना। ओके बाय। ये क्या परेशानी है पापा? मुझे तो लगता है इन पड़ोसी की वजह से ना हमें एक दिन हमारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा। परी एक काम करते, इन्हें निकलने का एक तरीका है। क्या? भूत बन के डराते हैं। नहीं पापा, मम्मी की शक्ल हम उन्हें नहीं दिखाएंगे। मेरे पास ना उससे भी बढ़िया प्लान है। मम्मी की शक्ल से भी डराना प्लान है तुम्हारे पास? हाँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। यस, चलो अभी स्टार्ट करते हैं ना। अरे वाह गिफ्ट,
रोज आया करूं। पड़ोसी की शैतान बच्ची होगी, हमेशा मुझे परेशान करती है, लगता है अपने पप्पा का बदला लेने आई है। देख लूंगी, छोड़ूंगा क्योंकि Later. पापा, ये पड़ोसी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाँ ना परी, देखो हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। आए? जैसे उनमें 2-3 करोड़ कमियाँ, लेकिन क्या करें, हमें उनके साथ ही रहना पड़ेगा। हाँ पापा, वो भी तो मेरे इतने अच्छे अच्छे प्रैंक उन पर फेल हो गए। हाँ, कैसे हो सकता है ये? सुना रे, हाँ एक बैड न्यूज देने जा रहे तुम सबको, रोना नहीं। जा रहे हम लोग, माता तो जा रहे हैं, जा रहे हैं हम घर छोड़ के, जा रहे हैं घर छोड़ के, घर छोड़ के जा रहे हैं ना। अरे खुश कैसे हो? अरे खुश नहीं हो, उतारू मेकअप, मेकअप उतारू? नहीं नहीं, रहने दीजिए। वैसे क्यों जा क्यों रहे हो? अरे है ही क्या यहाँ पर, ना पानी आ गया, ठीक है बाथरूम में ना पौंडा निकल गया, देखो बिना कपड़ों के भागे। अच्छा, पड़ोसी बम फोड़ देते, मुंह काला हो जाता है। अच्छा तो जाओ ना, आप जल्दी से आज ही जा रहे हो ना घर छोड़ के? निकल ही रहे। अच्छा, अरे वो बात बताना भूल गई आप उनको। अरे हाँ, हम तो जा ही रहे, लेकिन अब हमारा भाई आने वाला है हमारे घर पे, अब उन्हीं के साथ तुमको रहना है। हाँ, हमारा भाई और उसकी बीवी, और हाँ फुटबॉल टीम भी ला रहा है। फुटबॉल टीम? बताओ सरप्राइज। उसका भाई है, उसकी शक्ल इससे भी गंदी दिखती है, और वो तो मेकअप भी नहीं कर सकता है। चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। चलो चलते हैं हम लोग, संभाल लेना, बैग उठा लेना। हाँ आ जाओ। इससे भी घटिया पड़ोसी, तेरी क्या करे अभी। कौन आया? कौन आया देख।